स्कूल से दो छात्राओं के लापता होने की जानकारी मिल रही है। पुलिस रात भर इनकी तलाश करती रही। दोनों ही लड़कियां दमोह के सरकारी स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ती हैं। परिजनों की शिकायत के बाद देर रात पुलिस इनकी तलाश करती रही। सुबह छात्राओं को उनके परिजन स्कूल तक छोड़ने आए थे और स्कूल के मुताबिक छात्राएं स्कूल आई ही नहीं थी। दमोह जिला मुख्यालय पर घंटा घर के पास ये स्कूल है और दो छात्राओं के गायब होने के बाद से लगातार पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, तलाश में जुटी हुई है और पुलिस कर्मचारियों की, परिजनों की नींद उड़ी हुई है। स्कूल भी इस बारे में कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। अपनी बहन को छोड़ा मैं स्कूल, 10:30 बजे स्कूल छोड़ा वहाँ से गेट के बाहर, ठीक है। फिर शाम को जब मैं लेने के लिए गया, 4:30 बजे छुट्टी होती है वहाँ पे, 4:30 में जैसे ही लेने के लिए गया, वहाँ पे पूरी गर्ल्स बाहर आ गई थी, बस मेरी बहन बाहर अंदर नहीं आई। फिर मैं ऑफिस गया वहाँ पे अंदर, MLB ऑफिस स्कूल, तो वहाँ की मैडम ने बोला चांदनी तो स्कूल आई नहीं है, ठीक है। फिर मैंने फिर वहाँ कैमरे में भी चेक करवाया तो कैमरा वहाँ का बंद, अब मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया था। अब फिर उसके बाद फिर हर जगह देखे, फिर मेरी लड़की स्कूल गई, स्कूल लड़का गया छोड़ने, स्कूल के अंदर गेट के बाहर वो तो छोड़ो गेट के अंदर तक, फिर लड़का घर आ गया, 10-5 मिनट तक वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया, फिर 4:30 पे स्कूल गया लेने, फिर स्कूल से निकली नहीं है, कहाँ गई कहाँ नहीं गई हमको कुछ पता नहीं। सुबह स्कूल गई थी बच्ची, सुबह स्कूल के बाद हम शाम को लेने गए तो उतने मिली नहीं बच्ची, उतने से लापता हो गए। फिर मैडम बोल रही कि स्कूल आई नहीं है और भाई छोड़ने अंदर गया है। फिर हम उन्होंने खीब ढूंढा नहीं पता, फिर हम उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो दोनों बच्चों के बारे में जानकारी ये लगी, जुगराज लोधी जो है उन्होंने बताया कि दोनों बच्चियां 9वीं क्लास में पढ़ती हैं और दोनों सहेली हैं आपस में। दोनों का चूँकि नाबालिग बच्चियां हैं और इसलिए उनका जो है 363 का अंतर्गत मुकदमा कायम अभी कर लिया गया है और इसकी तलाश पतारसी के आसपास के अभी कंट्रोल रूम में हम फुटेज देख रहे हैं। स्कूल से जानकारी हमने पता करी थी तो वहाँ भी CCTV फुटेज की मतलब की। और हमारे सहयोगी आशीष जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। आशीष, बच्चियों के बारे में कुछ पता लग पाया, आखिर कहाँ हैं बच्चियाँ और क्या कुछ अभी परिजन कह रहे हैं, पुलिस क्या जवाब दे रही है? आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कल का पूरा घटनाक्रम है। जब सुबह सवेरे जब स्कूल लगता है, MLB स्कूल का मामला है, घंटाघर के पास ये स्कूल है, शासकीय स्कूल है, बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्राएं पढ़ती हैं। दो परिजन हैं जिनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उनकी बच्चियों को स्कूल के गेट तक छोड़ा गया था, जैसा वो प्रतिदिन छोड़ते हैं। लेकिन जब शाम के वक्त उन लड़कियों को लेने के लिए गए तो वो लड़कियां स्कूल से बाहर नहीं निकली। उन्होंने जब स्कूल में इस मामले की पतासाजी की तो बताया गया कि उनकी अटेंडेंस ही स्कूल में नहीं है, मतलब साफ है कि वो बच्चियां स्कूल के अंदर गई और स्कूल के क्लास को अटेंड नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब परिजनों ने तलाश की तो परिजनों के तलाश के बाद भी वो लड़कियां नहीं मिली, घर नहीं पहुंची, तो ऐसे में उनके द्वारा पुलिस की सहायता ली गई। कोतवाली थाना पुलिस दोनों के परिजन पहुंचे और दोनों कक्षा 9वीं की छात्राएं और बताया यह गया है कि दोनों दोस्त भी हैं और दोनों छात्राएं एक नया वजन नंबर 1 और एक कसाटी बार नंबर 2 की छात्राएं हैं और दोनों स्कूल से गायब हुई हैं। इस मामले पर जब स्कूल प्रबंधन से बातचीत की गई तो स्कूल प्रबंधन का कहना था कि उनकी CCTV कैमरे बंद हैं, उनके यहाँ अटेंडेंस नहीं है, तो हो सकता है शायद वो छात्राएं यहाँ पर ना आई हो। पुलिस हर एंगल से यहाँ पर छानबीन कर रही है और पुलिस पूरी रात उनको तलाशती रही कि कहाँ, क्योंकि जो CCTV कैमरे हैं, शासकीय जो CCTV कैमरे हैं वो पूरे शहर में लगे हुए हैं, उन CCTV कैमरों में उन लड़कियों की तलाश की जा रही कि वो कहाँ किस तरफ गई हैं, कहाँ गई हैं या किस तरह का घटनाक्रम उनके साथ हुआ है। तो ये पूरी तलाश रात भर पुलिस करती रही। अब चूंकि समय हुआ है तो सुबह जब स्कूल खुलेगा, स्कूल खुलने के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंचेगी और पूछताछ शुरू होगी उनकी अन्य सहेलियों के साथ कि कोई बातचीत हुई, तब उसके बाद जाकर के कुछ इस मामले पर और भी ज्यादा कुछ स्पष्ट देखने और सुनने को मिलेगा। फिलहाल दोनों छात्राएं गायब हैं, दोनों के परिजन परेशान हैं और पुलिस पूरी रात उनकी तलाश करती रही है। पुलिस के लिए भी अटेंशन का विषय है। मैं आपको बता दूं कि करीब 2-3 माह पहले भी यह घटनाक्रम सामने आया था दमोह जिले में, जहां KN कॉलेज, जो कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज है, वहां पर भी 4 छात्राएं गायब हुई थी जो
मुंबई से बरामद हुई थी। तो इस तरह का घटनाक्रम दमों में आते रहे और एक नया मामला सामने आया है जिसमें बिल्कुल अपना सर बनाए रखिएगा। आशीष, आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे, त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग अब पूरी तरह से सतर्क है। दरअसल मिलावटखोरी के खिलाफ जगह जगह छापे मार कर इसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि मिलावटखोरी न चल सके। नर्मदापुरम में खाद्य विभाग ने 300 किलो मावा जब्त किया है। बस स्टैंड पर यह कार्रवाई की गई। ये मावा भोपाल से आया था और जांच के लिए इसे लैब भेज दिया गया है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, ये मावा जो पकड़ा गया, लगभग कितनी मात्रा में पकड़ा गया और क्या इसकी जांच के लिए ऐसी तरह से अभी कार्रवाई आगे चलती रहेगी? जी, त्योहारी सीजन चल रहा है। त्योहारी सीजन में बड़ी मात्रा में सिंथेटिक या नकली मावा की खेप कई जिलों में कई जगह से आ रही है, जिसे लेकर प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। कल जो रूटीन जांच इस दौरान खाद्य विभाग की टीम बस स्टैंड पहुंची थी, तो वहां पर 300 किलो मावे की जो खेप है वो मिली थी। इसकी सैंपलिंग करके मावे को कोल्ड स्टोरेज में जमा करवा दिया था खाद्य विभाग की टीम में, और अब इसकी जाँच कराई जाएगी कि मावा शुद्ध है या इसमें मिलावट है। क्योंकि त्योहारी सीजन है, दीपावली का त्यौहार है, बड़ी संख्या में मिष्ठान भंडार जो है वहां पर इस प्रकार का मावा आता है। बीते साल भी इस प्रकार की कार्रवाइयां होती रही हैं, तो प्रशासन ये तय करना चाहता है कि किसी भी प्रकार का नकली मावा या सिंथेटिक मावा ना आए और लोगों के स्वास्थ्य पर दूषित मावे को खाने से कोई प्रभाव ना पड़े। फिलहाल सैंपलिंग करके उसे जांच के लिए भेजा गया है और जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मावे का कोई भी क्लेमेंट देर रात तक बस स्टैंड पर नहीं पहुंचा था। इस दौरान SDM नीता कोरी सहित खाद्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही थी। स्वाभाविक है, और चूंकि इस तरह की जो समस्या है ये एक जगह से शैलेंद्र शुरू होती है और ये बहुत आगे तक चली जाती है, इसलिए इस पर अभी यहीं पर इसी स्तर पर लगाम लगाए जाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में दिखाएंगे आपको 100 खबरें।